हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और मेरे चैनल का नाम है बद्री विशाल रावत। और मैं जा रही हूँ मंदिर, क्योंकि मेरे बच्चे बहुत जिद कर रहे थे कि मम्मी नवरात्र है, परसों भी नहीं गए, परसों से शुरू हो गए तो बोल रहे थे मम्मी मंदिर जाना मंदिर जाना। तो चलो मैंने कहा आज चलती हूँ और हम जा रहे हैं मंदिर। ये सीक्रेट है, ये मैं वहीं बताऊँगी कौन सा मंदिर है। अभी जा रही हूँ मैं अपने बच्चों के स्कूल में है काम, तो मैं पहले स्कूल होके आती हूँ फिर जाऊँगी मंदिर। अभी जा रही हूँ मैं रास्ते में और मैं जाऊँगी स्कूल, तो उसके बाद जाऊँगी मैं मंदिर और दिखाती हूँ आपको। ये देखो रास्ते में है, बहुत तेज़ धूप लगी है। अभी रास्ते में है और अभी थोड़ा सी और दूर है, पैदल है। पहले रिक्शे में जा रही थी तो मैंने कहा 20 रुपये लेगा, बेटा भी है बेटी भी है, तो मैंने कहा 20 रुपये लेगा तो मैं पैदल 20 रुपये बेफालतू देने थे, तो पैदल ही जा रहे हैं। और थोड़ी दूर पे और है, धूप लग रही बहुत तेज, बहुत तेज़ धूप लगी है। और स्कूल अभी स्कूल खुली होगी ना, तो पेपर तो हो गए इनके। मैम ने बोला था पेरेंट्स को लेके आना, तो जा रही हूँ, पता नहीं क्या काम है बताया नहीं, बस ये बोला था कि स्कूल में आ जाना, तो स्कूल जा रहे हैं। इधर से आ जा, ज़्यादा दूर नहीं है, लेकिन रिक्शे वाले तो लेते हैं ना, रिक्शे वाले तो लेंगे ना, बस थोड़ा पहुंचने वाले हैं। और आगे दिखाती हूँ मैं स्कूल में, और मैं स्कूल पहुंच चुकी हूँ, मैं जा रही हूँ अंदर। मैं अंदर कैमरा नहीं ले जा सकती, तो मैं अभी अंदर जाके आती हूँ। अब आ चुकी हूँ मैं स्कूल से बाहर, और वो मेरे बेटे का रिजल्ट था, पेपर हुए थे ना, तो उसका रिजल्ट लेने गई थी। अब जा रही हूँ मंदिर, मंदिर का दिखाती हूँ चलो। और ये रास्ते में आइसक्रीम की दुकान दिख गई, तो मेरे बच्चों ने रोक दिया, बोला कि मम्मी आइसक्रीम लेनी है, तो मैं आइसक्रीम ले रही हूँ और ये दिखा रही हूँ आपको। यहाँ बहुत अच्छे अच्छे केक दिख रहे थे बाहर पे, और ये देखो कितने बढ़िया लग रहे हैं, और इतनी आकर्षित कर रही थी ये दुकान कि मेरे बच्चों ने भी बोला मम्मी हमें यहाँ से कुछ चाहिए, तो सॉफ्टी दिख रही थी, तो मैंने कहा बोला आइसक्रीम चाहिए, तो मैंने कहा चलो। और यहाँ पे बहुत तेज़ आवाज़ आ रही थी गाड़ियों की, तो मैंने खाली ये वीडियो बनाई। और ये देखो पेस्ट्री लगी है बहुत सारी, इतनी अलग अलग डिजाइन की, बहुत अच्छी लग रही थी, तो मैंने कहा वॉइस रिकॉर्डिंग बाद में डाल दूँगी। तो मैं अंदर गई, अब भैया से पूछा आइसक्रीम है, तो बोला हाँ, तो बोला कितनी वाली चाहिए, मैंने कहा 10 वाली, और ये 10 वाली ले रहे हैं हम। और इधर साइड में भी पेस्ट्री लगा रखी थी बहुत सारी, तो मैंने कहा एक बार वीडियो दिखाती हूँ, इधर किनारे पे लगी है ये, और सारे अलग अलग डिजाइन के हैं, इतने अच्छे डेकोरेट कर रखे ना, बहुत अच्छे, और बहुत अच्छे लग रहे थे, देखो कितने बढ़िया बढ़िया रखे थे। और आप भी ले सकते हैं, तो इसका ये दुकान का एड्रेस आपको बता देंगे हम इसी वीडियो में। और बहुत बड़ी दुकान है ये, बहुत बड़ी दुकान है, बहुत साफ़ सुथरी दुकान है। और ये देखो जूस वगैरह भी मिलता है यहाँ। ये दुकान का नाम क्या है? लाहौर बेकरी। ये है लाहौर बेकरी, हाँ बोलो। और ये देखिए बहुत ही सुंदर दुकान है, बहुत ही आकर्षित और बहुत बढ़िया चमकदार लग रही है। और ये देखिए बहुत बढ़िया है, और ये एड्रेस दे रखा, आप भी आ सकते हैं, ये एड्रेस है यहाँ का और मोबाइल नंबर भी है इसमें, तो आप भी आना ज़रूर। और ये हम खा रहे हैं आइसक्रीम, बहुत टेस्टी हो रही है। और अब चलते हैं हम मंदिर, मंदिर का नाम है, तो हम पहुँच गए हैं छत्रपुर मंदिर, और अंदर का दिखाते हैं आपको। अभी बाहर पे हैं गेट पे, और यहाँ पे भीड़ हो रखी है, देखो यहाँ पे हम अपने चप्पल बाहर उतार रहे हैं, एंट्री होगी इधर से।
तो ये जा रहे हैं हम मंदिर की तरफ। ये यहाँ पे अंदर, ये ऊपर देखे कितना बड़ा शेर बन रखा है। और इधर ये अंदर की साइड सीढ़ियाँ हैं नीचे नीचे को, तो ये अंडरग्राउंड जैसा बन रखा है यहाँ पे। तो यहाँ से हम जाएंगे मंदिर की तरफ। और मेरी फ्रेंड भी थी, तो मेरी फ्रेंड कैमरे में नहीं आना चाहती थी, तो कोई आगे थी कोई पीछे थी, तो मैं उन्हीं के साथ गई थी। और ये जा रहे हैं हम अंदर की साइड। और यहाँ बहुत तेज़ आवाज़ आ रही थी, बहुत ही तेज़ आवाज़ आ रही थी, इसलिए मैं वीडियो बनाई जा रही थी, कुछ नहीं बोला। अगर मैं बोलती तो आपको कुछ समझ नहीं आता। तो हम जा रहे हैं ये अंडरग्राउंड, जो नीचे से नीचे को सीढ़ी फिर ऊपर को है ये, तो ऊपर की साइड में जा रहे हैं अब हम। और ये मंदिर की तरफ बढ़ रहे हैं, और ये जा रहे हैं हम। मेरी फ्रेंड इधर उधर आ नहीं रही है वो कैमरे के सामने। और यहाँ देखे देखो कितना बड़ा त्रिशूल है यहाँ पे। और यहाँ जब आए ना इस यहाँ पे, बहुत ही मन इतना देखे कि कहाँ देखे किस साइड जाएं, बहुत ही खुला और बहुत ही विशाल लग रहा है ये यहाँ से। और इधर प्रसाद भी रखा है, फूल माला है। और इधर देखो चारों तरफ से रास्ता है, और समझ नहीं आ रहा कि किधर जाएं पहले, कहाँ देखें, अभी हमें कुछ पता नहीं। तो मैं इधर उधर देख ही जा रही हूँ, और देख के इतना मन खुश हो गया ना यहाँ। बहुत ही विशाल और बहुत बड़ा मंदिर लग रहा है ये बाहर से, अभी तो अंदर पता नहीं, लेकिन ये खाली बाहर बाहर का दिखा रहे हैं। और इधर इतना हरा भरा पेड़ पौधे, बहुत ही बढ़िया लग रहा है, इतना साफ सुथर, खुला, एकदम खुला, चारों तरफ कुछ ना कुछ दिख रहा है हमें, और बहुत ही सुंदर। देखो ये हम जा रहे हैं आगे। और इधर ये, क्योंकि हमने अभी जूते चप्पल नहीं उतारे, तो आगे उतारेंगे अंदर, बाहर भी था तो बाहर हमने उतारे नहीं कि कहीं कोई उठा के ना ले जाए। और ये गुरुजी की फ़ोटो लगा रखी है, और यहाँ पे उतार दिया हमने जूते चप्पल यहाँ पे। अब जा रहे हैं हम मंदिर की तरफ, ये देखिए। और ये कोई ऊपर आ रहा, कोई जा रहा है, कोई आ रहे हैं देखो। और इधर हम फिर नीचे की साइड में सीढ़ियाँ हैं, नीचे की साइड में जा रहे हैं। तो ये देखिए यहाँ बहुत ही ज़्यादा, जबकि इतनी भीड़, बहुत ज़्यादा बता रहे थे कि यहाँ इतनी भीड़ होती है, और बहुत ही ज़्यादा भीड़ होती है यहाँ। अभी तो जबकि हम गए थे तब भी भीड़ थी, लेकिन कभी तो बहुत ज़्यादा होती है। और ये देखिए ये जा रहे हैं हम अंदर की साइड में, और बहुत बढ़िया लग रहा है, बहुत ही बड़ा मंदिर है ये, बहुत अच्छा है घूमने लायक। क्योंकि अभी तो खाली हम बाहर का, अभी तो अंदर देखेंगे और क्या है, अभी बाहर बाहर का देख रहे हैं। और ये देखिए इधर, जहाँ देखो पेड़ पौधे हरे भरे। और यहाँ पे हाथ धोने के लिए है, तो हम नल लगे हैं बहुत सारे नल, तो यहाँ पे हाथ धो दिए हमने, हाथ पैर धोए और अंदर की तरफ जा रहे हैं। यहाँ पे हाथ साफ कर दिए हमने, और जा रहे हैं हम। और धूप इतनी तेज़ धूप, बाप रे बाप, बहुत तेज़ धूप थी यहाँ, बहुत ही तेज़ धूप। और ये जा रहे हैं हम मंदिर की तरफ, और थोड़ा सी मंदिर का हिस्सा ऊपर से दिख रहा है, बहुत ही प्यारा, बहुत ही सुंदर लग रहा है ये। बहुत ही पुराना मंदिर है ये, बहुत ही पुराना, कुछ अलग ही टाइप का बन रखा है। तो जैसे मंदिर तो हम बहुत जाते हैं, लेकिन कुछ
अलग चीजें देखने को मिले ना तो बहुत खुशी होती है, कुछ अलग ही। तो यहाँ भी बिल्कुल कुछ अलग। ये देखो इतनी भीड़ होती है कि क्योंकि पहले से यहाँ पूरी व्यवस्था कर रखी है, जब भीड़ होती है तो कितने रास्ते बना रखे मंदिर के लिए, ये जाने के लिए पूरे पाइप लगे हैं। और ये यहाँ का नज़ारा देखिए, आप देखिए, आप भी ना खुश हो जाएंगे। अभी तो आगे आगे देखते जाइए, यहाँ बहुत ही, जो लोग जिनसे हमने पूछा बहुत तारीफ करते हैं कि बहुत ही सुंदर और बहुत विशाल मंदिर है और बहुत पुराना मंदिर है ये। तो ये जा रहे हैं हम, और कितनी अच्छी व्यवस्था, बहुत ही अच्छी, बाहर से ही पता चल रहा है कि कितनी अच्छी व्यवस्था है यहाँ, कि कितने लाखों के श्रद्धालुओं भी आएंगे। तो यहाँ सब देखो व्यवस्था कर रखी है, रास्ते बिल्कुल अलग अलग कर रखे हैं। और यहाँ का नज़ारा देखिए, वाह, ये देखिए, जय माता दी, जय माता दी। देखिए यहाँ देखिए, और ये इधर बहुत जगह से रास्ते रास्ते बना रखे हैं, क्योंकि भीड़ भड़ाके में ये सब करना पड़ता है। तो ये देखिए, जहाँ देख रहे हैं हम ना, तो मन इतना खुश हो रहा है ना, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अच्छा लग रहा है। ये देखो कुछ अलग ही नज़ारा है यहाँ का, और इतना विशाल मंदिर है ना, इतना विशाल मंदिर है ना, बहुत बहुत कुछ है यहाँ देखने को। हम तो जहाँ भी नज़र जा रही है वहाँ कुछ ना कुछ दिखने को मिल रहा है, और एकदम जैसे भूल भुलैया होता है ना, बिल्कुल ही वैसे ही है। तो जहाँ चारों तरफ ये देखो कितना बढ़िया, और देखो अभी जा रहे हैं, अभी तो खाली बाहर बाहर से ही है, अभी हमारी एंट्री है, अभी तो दिखाना बहुत कुछ है। और ये देखिए अभी तो जा ही रहे हैं मंदिर के अंदर, और यहाँ सुना है कि बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, बहुत ही ज़्यादा भीड़ है, बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। जबकि हम गए थे उस टाइम इतनी नहीं थी, नहीं तो वहाँ की व्यवस्था को देख के लग रहा था कि वहाँ बहुत भीड़ रहती है। और ये जा रहे हैं, और इधर यहाँ यहाँ फोटो खींचना बिल्कुल मना है, बिल्कुल मना कर रखा है, बिल्कुल उन्होंने बोला अंदर फोटो नहीं खींचनी। तो यहाँ पे भोले बाबा का यहाँ पे मंदिर था, और तो यहाँ पे बहुत ही मना कर रहे थे कि बिल्कुल भी किसी को अलाउड नहीं है, और कैमरा कुमरा मना कर रखा है। और ये देखिए यहाँ, जहाँ यहाँ नंदी महाराज बैठे इधर साइड में दाई तरफ, और ये देखिए, वाह, लग रहा है ना एकदम सुंदर चमकदार। ये देखिए ऊपर देखिए, ये पंखे लगे हैं, और ये झालर वगैरह ये देखिए, और ये देखिए यहाँ बिल्कुल मना कर रहे हैं, लेकिन छुप छुप के आप लोगों के लिए हमने यहाँ वीडियो बनाई, और यहाँ छुप छुप के बना रहे हैं। तो ये बिल्कुल गुस्सा, जैसे थोड़ी सी भी देख लिया तो डांट रहे थे हमें। और यहाँ देखिए, यहाँ कितनी सुंदर ये देखिए आकर्षित मूर्तियाँ हैं, और क्या मतलब बहुत कुछ है यहाँ दिखाने को, जितना भी दिखाएंगे तो हम कम ही दिखाएंगे, यहाँ इतना कुछ है दिखाने को, लेकिन कैमरा नहीं ले जा सकते अंदर, मना है। अगर वहाँ पे बहुत सारे पुजारी थे तो गुस्सा 24 घंटे इधर उधर देख रहे थे, वो तो छुपके से हमने वीडियो निकाली थी कि आप लोगों को भी दर्शन हो माता रानी का, और नवरात्र में आप भी माता रानी का दर्शन करो। तो ये फिर ऊपर की साइड में है, ऊपर की साइड में जा रहे हैं, और ये देखिए ये आप लोगों के लिए बड़ी मुश्किल से बना रहे हैं हम। और ये यहाँ बिल्कुल भी अलाउड नहीं है, हम छुप छुप के बना रहे हैं, और ये देखो कैमरा छुपा के, क्योंकि हमने एक दो बार डांट भी खा ली थी, हमें डांट पड़ी थी, तो कैसे, हम भी सोच रहे थे आप देखो माता रानी के दर्शन आप भी करो, जय माता रानी, हे माता रानी सबको खुश रखना सबके घरों में, और हे माता रानी हमारे यूट्यूब फैमिली पे अपनी कृपा दृष्टि हमेशा बनाए रखना। और ये देखिए जय माता रानी, और देखो हम कितनी मुश्किल से ये वीडियो बना रहे हैं। जिन्होंने भी हमारा चैनल लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर देना, प्लीज़
अगर आप चाहते कि इससे भी अच्छी वीडियो दिखाएं तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना, ताकि हम आगे आपको इससे अच्छी वीडियो दिखा सकें। और ये देखिए नीचे भी देखो कितना बढ़िया लग रहा है। और आप जब यहाँ आओगे आपको पता चलेगा कि कितनी दिक्कत कितनी परेशानी है, वीडियो नहीं बना सकते आप, छुप छुप के भी वो सारे पुजारी लगे रहते हैं, इधर उधर देखते रहते हैं, तो बहुत मुश्किल है वीडियो बनाना, क्योंकि बिल्कुल मना है, बिल्कुल ही मना है, उन्होंने साफ बाहर से ही मना कर दिया था वीडियो वीडियो कुछ नहीं बनेगी अंदर। तो हम चुपके से आप लोगों तक ये पहुंचा रहे हैं अंदर का नज़ारा। और ये देखिए अब दूसरी साइड जा रहे हैं और हर तरफ से रास्ते रास्ते दिख रहे हैं, तो कई बार तो हम भी, ये देखिए यहाँ पे माता रानी की जय, माता रानी, हे माता रानी सब पे अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना, और मेरी यूट्यूब फैमिली पे भी अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना, सबके घरों में खुशियाँ भर देना, और सबके लिए नवरात्र की शुभकामनाएँ, जय माता रानी। और ये देखिए माता रानी के कितने सुंदर दर्शन हो रहे हैं यहाँ पे, ये देखिए। और यहाँ पे हम छुप छुप के बना रहे हैं, हमें डांट भी पड़ गई थी, पर क्या करें, हम चाहते हैं आप तक ये वीडियो पहुँचे, आप भी दर्शन करें माता रानी के, और माता रानी की कृपा दृष्टि आप पे भी बनी रहे हमेशा, आपके घर में हमेशा खुशियाँ भरी रहे। और ये देखिए माता रानी, ये देखो जहाँ देखो कुछ ना कुछ, और बहुत ही बड़ा, जहाँ देखो इतना खुला खुला, इतना बड़ा, बाप रे। अब देख रहे हैं हम कि कहाँ जाएं, हम खुद ही घूम गए कि किधर जाएं, किस साइड से आए किस साइड से गए, पता ही नहीं चल रहा है यहाँ, क्योंकि इतना बड़ा है। यहाँ पे शेर देखो कितने बढ़िया लग रहे हैं, माता के शेर यहाँ पे देखो, यहाँ पे पहरादारी कर रहे हैं। और यहाँ पे इतनी पुरानी मूर्ति ना, इतनी पुरानी, ये पंचमुखी गणेश जी हैं, यहाँ पे भी हमें डांट पड़ी, पंचमुखी गणेश जी, जय गणपति महाराज, जय मंगल मूर्ति, ये पार्वती और भोले बाबा की है, तो बहुत ही पुरानी थी यहाँ पे जो अभी दिखाई थी हमने। तो ये वीडियो कर रही हूँ मैं यहीं पे एंड, अभी दिखाने को तो है बहुत कुछ, तो हम दिखाएंगे नेक्स्ट वीडियो में। और जो मेरे चैनल पे नए हैं, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया, तो वो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना। और अब दिखाएंगे, मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।